क्या आपको लगता है बिना कोडिंग बिना एक्सपीरियंस के कोई डेटा एनालिस्ट बन सकता है? अगर आप फ्रेशर हो या आपको करियर स्विच करना है तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप रोडमैप बताऊंगा जिससे आप अपना पहला डेटा एनालिस्ट का जॉब पा सकते हैं। ये सिर्फ थियरी नहीं, ये स्टेप इंडस्ट्री के हर लोग फॉलो करते हैं। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट में आपको एक टिप बताऊंगा जो आपको रिक्रूटर की नजर में लाने के लिए हेल्प करेगा। तो सबसे पहले हम स्टेप वन की बात करते हैं। अगर आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि वो बंदा करता क्या है, डेटा एनालिस्ट का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। ओके, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि उनका जो एंड टू एंड प्रोजेक्ट में जो मेन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होता है। सो डेटा एनालिस्ट का पहला काम होता है कि डेटा कलेक्ट करना। तो जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजोन, तो इनका जो बैकएंड डेटा मतलब जहाँ वो डेटा स्टोर होता है, तो मल्टीपल सोर्स में वो डेटा स्टोर होता है, तो वहाँ से वो डेटा कलेक्ट करना होता है। ओके, फिर सेकेंड स्टेप होता है डेटा को क्लीन और ऑर्गेनाइज करना। तो इसमें क्या करता है कि जो आपने डेटा कलेक्ट कर लिया उसको तो क्लीन और ऑर्गेनाइज करेंगे। कैसे? जैसे कि मान लो आपका मिलियंस ऑफ रोज है। ओके, सो इसमें जैसे कि ब्लैंक रोज हो गए, ओके डुप्लीकेट रोज हो गए, अगर आपके पास 50, 50, 55 जैसे कि कॉलम थे तो उसमें जो अनयूज्ड कॉलम है उसको निकाल के, तो इस तरीके के और भी एडवांस डेटा क्लीन करने पड़ते। फिर आपको डेटा क्लीन करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। ओके, तो क्या होता है ना, देखो रियल वर्ल्ड डेटा ना बहुत ही गंदा होता है, तो उसको मतलब जैसे कि उसको क्लीन करना, ऑर्गेनाइज करना सबसे बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क होता है। फिर आता है डेटा को एनालाइज करना। आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको क्लीन, उसको ऑर्गेनाइज भी कर लिया, तो अब क्या होगा, आपके पास एक परफेक्ट डेटा है तो उसको आप है ना एनालाइज करोगे। ठीक है, डेटा एनालिस्ट को मेन काम तो ये डेटा को एनालाइज करना। ओके, तो आप एनालाइज करोगे, क्या एनालाइज करोगे कि ओके, तो डेटा एनालिस्ट देखेगा कि ओके कौन से कैटेगरी में कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा सेल कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा नहीं सेल कर रहा है। ओके, कौन सा मिड लेवल में, हाई लेवल में, तो ये सारी चीज़ें ना मतलब एज पर द रिक्वायरमेंट वो आप एनालाइज करना होता है। तो अभी ये चीज़ हो गया, फिर क्या करेगा, अब डेटा ले लिया, डेटा क्लीन कर लिया, ओके डेटा को एनालाइज कर लिया, अब क्या करेगा ना, डेटा को विजुअलाइज करेगा। तो जैसे कि अभी आप देख रहे होगे थे पावर बी आई, टैबल्यू। ओके, तो ये जो विजुअलाइजेशन टूल है और मोस्टली अभी पावर बी आई बहुत ही डिमांड में है और बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। ओके, सो आप क्या करोगे, वो डेटा को ना विजुअलाइज करोगे पावर बी आई में, क्योंकि आप वो डेटा डायरेक्ट उठा के बिजनेस को दोगे, बिजनेस मतलब कंपनी को दोगे, तो बोलेगा भाई मुझे क्या दे दिया है। ठीक है, तो आपको उसको ना अच्छे से विजुअलाइज करना होगा। ओके, जैसे कि वो डेटा वो ग्राफ को देख के समझ में आ जाए बिजनेस। फिर जो लास्ट स्टेप है वो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना। ओके, जैसे कि आपने डेटा को एनालाइज कर लिया, तो डेटा एनालिस्ट देखो पूरा बिजनेस का मतलब जैसे कि पूरे कंपनी का ना डेटा एनालाइज करता है, तो उसको अच्छे से समझ में आता है कि क्या चीज़ें गलत हो रही है, क्या अच्छी हो रही है। ठीक है, तो वो जो चीज़ें मतलब गलत हो रही है, समझो कि कोई सेल्स है ना, कुछ चीज़ कोई कैटेगरी का सेल्स है ना बहुत डाउन चल रहा है। ठीक है, तो डेटा एनालिस्ट क्या करता है, डेटा को एनालाइज करके समझ जाता है, तो वो क्या करेगा, वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कंपनी को। तो कंपनी को बताएगा ओके आप जो ये कैटेगरी का है आप इस चीज़ में ये इम्प्रूवमेंट करो तो ये सेल्स बढ़ जाएगा। तो ऐसी सारी चीज़ें ना आपको डिसीजन में हेल्प करनी होती हैं। सो ये है मतलब जैसे कि मेन मेन स्टेप्स जो डेटा एनालिस्ट करता है। एक सिंपल एग्जांपल लो, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो हो गया, ये ना हर दिन मिलियंस में डेटा एनालाइज करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो आपको बेस्ट प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकें। देखो सिंपल समझना यही है, अगर आप नंबर और पैटर्न समझना पसंद करते हैं तो ये फील्ड आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है। अब सवाल ये है कि डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या सीखना ज़रूरी है? अगर आप ये 5 स्किल्स सीख लिए तो बॉस आपकी जॉब पक्की है। ठीक है, बस ये 5 स्किल्स सीखना, अगर आपने ये 5 स्किल्स सीख ली तो आपके लिए बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट, पावर बी आई डेवलपर, डेटा एनालिस्ट, जूनियर डेटा साइंटिस्ट, समझो कि ये फील्ड्स में आपको जॉब मिलने वाली है। ठीक है, तो जो सबसे पहला स्किल है वो है सीक्वल, एसक्वल, ओके स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो ये ना डेटाबेस का किंग है। ठीक है, डेटाबेस का किंग क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे सारा डेटा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तो इनके जो डेटा है ना वो डेटाबेस में स्टोर होते हैं। और डेटाबेस से बात कैसे करने का, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, सीक्वल। सो डेटा निकालने के लिए, डेटा को फेच करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए आपको स्ट्रक्चर क्वेरी मतलब सीक्वल आना चाहिए। ओके, इंटीग्रेटर आपको कॉल करेगा, आपको मैसेज बोलने बोलेगा। दूसरा क्वेश्चन यही होगा, आर यू नो अबाउट सीक्वल? यहाँ आप अटक गए ना तो आपकी जॉब अटक जाएगी, तो ये सीखना जरूरी है। फिर सेकेंड है वो है एक्सेल।
अभी एक्सेल वो हर फील्ड में, हर कंपनी में, हर जगह यूज होता है, तो आपको एक्सेल का नॉलेज होना चाहिए। फिर आता है विजुअलाइजेशन टूल। विजुअलाइजेशन टूल कौन सा, पावर बी आई या टैबल्यू। ठीक है, तो पावर बी आई हाई डिमांडेड है, तो इसमें क्या करोगे ना, तो आप पावर बी आई अच्छे से सीखो, मतलब मैं पावर बी आई ऐसे बोल रहा हूँ कि बहुत यूजर फ्रेंडली है, ओके, और बहुत ही एडवांस में वो अभी अच्छा खासा जा रहा है। तो और मार्केट में भी आप देखोगे ना, जैसे कि आप नौकरी डॉट कॉम लिंक में देखो, पावर बी आई सबसे डिमांडेड है। तो पावर बी आई इसीलिए सीखना है क्योंकि जो आप डेटा कलेक्ट करोगे, ओके, पावर डेटा सोर्स से, एक्सेल से, तो उसको आप विजुअलाइज करोगे। ओके, डेटा तो ऐसा दोगे नहीं, तो उसको विजुअलाइज करोगे, ग्राफ्स में प्रेजेंट करोगे, तो उसके लिए आपको एक विजुअलाइजेशन टूल आना चाहिए। अगर आपको पावर बी आई पे प्रोजेक्ट देखना है, ठीक है, आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट चाहिए ना, फ्रॉम एक्सेल, फ्रॉम सी एस वी फाइल और फ्रॉम डेटा बेस, तो मैंने ये सारे प्रोजेक्ट अपने चैनल पे अपलोड किए, आप वो जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी सीक्वल सीक्वल है, एक्सेल है और पावर बी आई है टेबलो। ओके, इसके बाद जो मेन चीज़ है ना वो है प्रॉब्लम सॉल्वर और लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, तो ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो आपको किसी कंपनी ने हैदर डेटा एनालिस्ट हायर कर लिया, ठीक है, अब वो कंपनी क्या बोलेगा कि ये डेटा लो और मुझे ये बताओ कि हम अपना जो बिजनेस है वो कैसे ग्रो कर सके, ओके, रेवेन्यू कैसे बढ़ा सके। ठीक है, इसीलिए तुमको हायर किया। तो आपको ना प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम को एनालाइज करना और लॉजिकल थिंकिंग होना चाहिए। मतलब जैसे कि समझो कि आपका काम सिर्फ डेटा निकालना नहीं, ओके, डेटा को समझाना भी होता है, ठीक है, जो भी आप डेटा निकाल रहे हो, डेटा को एनालाइज करो, उसको समझाना भी होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये भी स्किल इंपॉर्टेंट है। और जो फिफ्थ स्किल है ना वो है कम्युनिकेशन। ओके, बहुत ही ज़रूरी है ये। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोला सिर्फ डेटा, उसका काम सिर्फ डेटा निकालना, उसको समझाना भी होता है। तो जैसे कि आप, अगर आपने पावर बी आई पे डैशबोर्ड रिपोर्ट बना दिया, तो उसको आप प्रेजेंट कैसे करोगे, उसको समझाओगे कैसे। अगर मैं आपको एक डायरेक्टली डैशबोर्ड बता रहा हूँ तो आप देख के नहीं समझ पाओगे, ओके, अनलेस मैं आपको उसको अच्छे से प्रेजेंट ना करूँ, ठीक है, तो ही आप उसको समझोगे। तो कम्युनिकेशन स्किल मस्ट है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो कमेंट बॉक्स में पूछो। क्लियर कम्युनिकेशन रहेगी, आपको जॉब मिलने में आसानी होगी। इसमें मैं आपको एक प्रो टिप दूंगा, आप है ना पहले तो सीक्वल और एक्सेल सीखो, ओके, फिर आप पावर बी आई टैबलो सीखो, एक एक करके सीखो, सब एक साथ मत सीखो, ओके, अटेंशन मत लो, मेन टॉपिक पर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। स्टेप नंबर थ्री, अब भाई आपने बता दिया कि डेटा एंस का काम क्या होता है, ये स्किल सीख लो, ओके, ठीक है, समझ लिया, स्किल्स भी सीख लिया, अब एक्सपीरियंस कहाँ से लाए। ठीक है, तो देखो सिंपल सा फंडा है, रियल प्रोजेक्ट पे काम करो। ठीक है, अब आप बोलोगे रियल प्रोजेक्ट पे थोड़ी ना कैसे काम करेंगे, इंटरव्यू पूछता ना है, यू हैव एनी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, क्या बोलने का। ठीक है, तो मैं आपको एकदम सिंपल और इजी वे बता रहा हूँ, आपके नियर बाय में कंपनीज है, ओके, डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ठीक है, उधर जाओ, बोलो कि मुझे इंटर्नशिप करना है, इंटर्नशिप करो, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 1 मंथ, जो भी है, आपको अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा, कॉर्पोरेट नॉलेज ही मिलेगा, ठीक है, आपकी स्किल्स भी अच्छी होगी। फिर और अब उसके बाद क्या करोगे, अब एक जैसे कि आपने इंटर्नशिप कर ली, तो आपने ना एक पोर्टफोलियो बनाओ, लिंक्डइन और गिटहब पे प्रोजेक्ट शेयर करो। ठीक है, तो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसके डमी लो और लिंक्डइन पे शेयर कर दो। इधर मैं आपको सिक्योरिटी टिप देता हूँ, रिक्रूटर्स ना उन्हीं लोग को अप्रोच करते हैं जिनके पास रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट होते हैं। स्टेप नंबर 4, 100 जगह अप्लाई कर दिया बट रिप्लाई नहीं आ रहा है, ये गलती मत करो, सही जगह अप्लाई करो तो ही रिप्लाई आएगा। 1 पेज रेज्यूम बनाओ, ज़्यादा लिखने से रिक्रूटर इम्प्रेस नहीं होगा। 1 पेज रेज्यूम में आप अपने स्किल, ओके, एक्सपीरियंस, नाम, पता, जो भी लिखो 1 पेज में अच्छे से लिखना कि वो इजीली रीडेबल हो। ठीक है, ये करना। लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करो, ये एक फ्री पोर्टल है, ठीक है, इसको हल्के मत लो, ठीक है, इस पर पोस्ट डालते रहो, आपके जो काम है, आपके जो प्रोजेक्ट है ना, वो लिंक्डइन पे शेयर करो और टैग करो, ओके। अब नेक्स्ट क्या करना कि रेफरल का यूज़ करना, जैसे कि लिंक्डइन पे आपने पोस्ट डाल दिया, बट लिंक्डइन पे ना जैसे कि जिनका पोजीशन डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, ओके, वो है ना, तो उनको ना उनसे बात करो, उनको रिक्वेस्ट भेजो, उनसे बात करो, ओके। देखो रेफरल से जाओगे ना बहुत ही, मतलब वो एक ईजी टास्क होता है कि रिक्रूटर आपको कॉल बैक करे, ओके, और इंटरव्यू शेड्यूल करें। और एक लास्ट और बहुत ही यूजफुल होता है, वो है डायरेक्टली आपकी कंपनी वेबसाइट पे अप्लाई कर दो। ठीक है, हर कंपनी का एक करियर पेज होता है, वो करियर पेज पे जाओ, आपके जो पोजीशंस आपको चाहिए, सीटी चाहिए, वो फिल्टर करो और वहाँ पे अप्लाई कर दो। अब आता है स्टेप नंबर 5, इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, बताता हूँ। सबसे पहले
एसक्यूएल को स्ट्रॉन्ग करो, ये 95% इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। सो जैसे कि आपने इंटरव्यू जैसे स्टार्ट करोगे ना, तो आपको बेसिकली देखो उनको कैसा है कि डेटा बेस से डेटा एक्सट्रैक्ट करने आना चाहिए, तो एसक्यूएल मस्ट है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बताता हूँ इंटरव्यू का, सिलेक्ट सेकेंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ये क्वेश्चन आप सर्च करना और ये क्वेश्चन आप जरूर प्रिपेयर कर लेना। आपको ना मैं 100% श्योर बोल रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ठीक है, इसका आंसर रेडी रखना। फिर आता है एक्सेल और पावर बी आई, ओके, इसके यूज़ केस समझ लो कि हम यूज़ क्यों करते हैं एक्सेल, हम पावर बी आई क्यों यूज़ करते हैं, ओके, पावर बी आई हम डेटा मॉडलिंग क्यों करते हैं, हम डैक्स क्यों लिखते हैं, पावर क्वेरी में क्या करते हैं, तो उसके ना यूज़ केस सीख लो। अगर आपको जानना है ना कि डेटा मॉडलिंग, डैक्स, ओके, इन सब पे वीडियोस मैंने बनाए हैं, ओके, तो आप ये वीडियोस देख सकते हैं। एक्सेल और पावर बी आई का यूज़ केस सीख लिया, ठीक है, आपने सीक्वल भी सीख लिया, तो आप क्या करना ना, आप मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करना, ठीक है। जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स को बोल दो, ठीक है, हम जूम मीटिंग पे कनेक्ट कर लेते हैं, तुम उनको मतलब वो अपने एक रैंडमली क्वेश्चन लिस्ट बना दे और इंटरव्यू ले लेना, तो इससे ना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। अब नेक्स्ट है कि देखो आपने रिज्यूम बनाया, ठीक है, आपने सीवी रिक्रूटर को दिया है, तो आपने जो प्रोजेक्ट डाला ना उसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि आपने वो प्रोजेक्ट कैसा बनाया, आपने उसमें क्या अप्लाई किया है, क्या किया है, क्या स्टेप्स लिए, तो ये एक्सप्लेन करने आपको उसको आना चाहिए। अगर आप इंटरव्यू नहीं दोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा, ठीक है। देखो मतलब डेटा एनालिस्ट का ना कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी, क्योंकि उनको ना बिजनेस से डील करना होता है, ओके, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द बिजनेस, ओके, हेड ऑफ द कंपनी, उनसे आपको डील करना होता है, तो आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत जरूरी है। तो ये था इस वीडियो में, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करो, और किसी टॉपिक पे आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, ओके, इन केस ऑफ एनी टॉपिक, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, कोई क्वेश्चन रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना मुझसे। अगर आपको सीरियसली डेटा एनालिस्ट बनना है ना, तो ये रोड मैप फॉलो करो और अपने करियर को बिल्ड करो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, हेल्पफुल लगी हो, तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड, बाय बाय।